आज हम वार्ड नंबर 2 डंडेसर में खड़े हैं, जहाँ की नायब सरपंच गुलशना जी आप बुजुर्ग हमारे साथ और जहाँ के स्थानीय लोग हमारे साथ हैं। तो काफ़ी लंबे समय से ये लोगों की मांग थी कि यहाँ पर एक कलवर दी जाए, क्योंकि 50-60 घरों में कोई कनेक्टिविटी नहीं थी रोड की, बल्कि एक पंचायत में जो है वो इतने सालों बाद भी पिछड़ी हुई थी। तो हमने भी डीडी सिलेक्शन में लोगों से वादा किया था कि जल्द से जल्द आपकी ये मांग पूरी करेंगे। अपने पहले ही प्लान में हमने ये कलवर जो है वो रखी थी, तो इसके लिए हम यहाँ के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें डीडी सिलेक्शन में अपना आशीर्वाद दिया था। आज हमने ये जो कलवर्ट का उद्घाटन किया है, इसका श्रेय हम यहाँ के आवाम को देते हैं और बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि 70 साल पुरानी उनकी जो मांग थी आज वो पूरी हुई है। कैसे, इन सब ने बताया कि यहाँ पर अगर कोई बीमार हो जाता था, पहले तो 4 आदमी ढूंढने पड़ते थे एक चारपाई में किसी को रोड तक पहुंचाने के लिए। तो इसलिए मैं यहाँ के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ इस कलवर्ट के बनने से। ये जो 50-60 घर, भले एक पंचायत जो है हाईवे के साथ कनेक्ट हुई है, तो इसके लिए मैं गुलशना मैम को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि इन्होंने बहुत दौड़ धूप करके इस कलवर्ट में हमारा साथ दिया है और इसके जो निर्माण कार्य में मैम का बहुत हाथ है। और यहाँ के अप्रोचेज और जो कलवर्ट की अप्रोचेज और फिलिंग का काम पेंडिंग रह गया था, फंडिंग ख़त्म हो गई थी, हनीफ जी और मकजू जी हम इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमें कोऑपरेट किया और आज ये जो है कलवर्ट बनकर तैयार हुई है। यहाँ के लोगों में खुशी की लहर है, हम यहाँ के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। और अंत में हम मोदी सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक नए जम्मू कश्मीर का निर्माण किया है, 3-टायर सिस्टम जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट किया है और उसमें महिलाओं को रिजर्वेशन दी है। आज आप देख रहे हैं नायब सरपंच यहाँ पर एक महिला है, हम भी एक महिला हैं और हम इसके लिए मोदी सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और यही कहना चाहते हैं कि 70 साल पहले जो डेवलपमेंट के काम अधूरे पड़े थे, मोदी सरकार के जम्मू कश्मीर में आने से वो काम जो है वो पूरे हो पाए हैं। और 70 साल कभी यहाँ पर किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये जो रोड की कनेक्टिविटी जो है हाईवे के साथ कनेक्ट हो पाएगी। तो इसलिए हम मोदी सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और लोगों को आगे भी विश्वास दिलाते हैं कि इसी तरह हम काम जो है डेवलपमेंट के करते रहेंगे, क्योंकि पंचायतों में कभी किसी ने नहीं सोचा था कि सड़कों के इस तरह के जो विकास के काम हो पाएंगे। इसका श्रेय भी हम मोदी सरकार को देते हैं कि फंडिंग की कोई कमी नहीं छोड़ी उन्होंने। तो इसके लिए हम प्रदेश अध्यक्ष का जी का भी शुक्रिया अदा करते हैं, मोदी सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं और अपने एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमें पूरा कोऑपरेट कर रही है। और इसके लिए एक बार फिर से मैं यहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। काफ़ी लोगों में यहाँ खुशी की लहर है इस कलवर्ट के बनने से। और आगे भी जे कुछ लोगों की यहाँ पर मांग है कि ये रोड है जो हमने प्रोजेक्ट भेजा हुआ है नवाड़ में, यहाँ डंडेसर वार्ड नंबर 2 से लेकर लक्ष्मी नारायण मंदिर, तो इसके लिए भी हम लोगों को यही विश्वास दिलाना चाहते हैं जैसे कि आपकी मांग है। आज हम आपसे ये वादा करते हैं कि जल्द से जल्द इस रोड को भी सैंक्शन करवा के पुनः इसके इनॉग्रेशन के लिए आप सबके बीच में आएंगे। एक बार फिर से सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज गाँव डंडेसर वालों के लिए बहुत ही खुशी का माहौल है कि जो आज इस पुली का इनॉग्रेशन हो रहा है वो ये DDC मैडम की अध्यक्षता में एक और नया काम का आगाज़ हो रहा है। वो सबसे ज़्यादा तो नायब सरपंच गुलशना जी का, जिन्होंने दिन रात अपनी मेहनत करके इस रोड को अंजाम दिया है। और ख़ासकर जो इस रोड को नहीं बनना चाहते थे, आज उनके मुंह पर एक बहुत ज़ोरदार तमाचा है। तो आज गांव डंडेसर वालों के लिए जो कि ये जो 6-7 वार्डों की जो एक कनेक्टिविटी हो रही है इस पुलिया के द्वारा, उन सब का सबकी तरफ से हम डिपार्टमेंट का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बहुत ही बढ़िया ये काम कराया है, और स्पेशली DDC मैडम जी का और गुलशना जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आज इस शुभ अवसर पर हम जे कलवर्ट पर खड़े हैं, जे जब से आप हमारे पेरेंट्स बुज़ुर्ग जहाँ से आए 1947 से लेकर अब तक हमें कनेक्टिविटी का कोई सोर्स नहीं था। मैं पर्सनली बात करूं तो 1985 से मेरे पास छोटी गाड़ी है, लेकिन वो सड़कों पर ही रुलती रही। कभी टायर चोरी हो जाते थे और कभी बैटरी चोरी हो जाती थी, जब कुछ हो जाता था कभी शीशा टूट जाता था। तो 2014 से के बाद जब BJP की सरकार आई तो उन्होंने उनकी जो कनेक्टिविटी की जो स्कीम प्रधानमंत्री योजना जो थी, पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी, फिर मोदी जी ने बनाई, उसके द्वारा हमें ये कनेक्टिविटी का सोर्स मिला और आज हम इस कलवर्ट पर खड़े हैं।
इसको बनाने में योगदान जो है रैना साहब जो हमारे बीजेपी के यूटी अध्यक्ष हैं उनका बहुत ज़्यादा है, डीडीसी मैम संगीता शर्मा की बहुत मेहनत है, और नायब सरपंच गुलशन शर्मा जो इस हल्का डंडेसर की नायब सरपंच है, उन्होंने दिन रात दौड़कर हर ऑफिसर के पास अप्रोच करके हर किस्म की दौड़ करके अपने इस काम को सरे अंजाम पहुँचाया है। तो मैं गुलशन शर्मा नायब सरपंच जी और संगीता शर्मा डीडीसी रैना साहब और जो इस डिपार्टमेंट रूरल डेवलपमेंट के जो ऑफिसर साहब ने सबका धन्यवाद करता हूँ कि सबके योगदान से हमें जो कनेक्टिविटी मिली है, और आप उम्मीद करते हैं कि हमारी गाड़ियाँ भी जो हमारे घर तक पहुँच जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज इस खुशी के मौके पर मेरी तरफ से नायब सरपंच कृष्णा शर्मा और संगीता मैडम जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आज लोगों की जो आस में थी वो पूरी हो गई है। मेरी भी उम्र 56 साल हो गई है, रोड के लिए लोग तड़फ रहे थे, लेकिन हमारे बुज़ुर्ग यहाँ दुनिया से चले गए हैं, लेकिन उनकी ये आशा रही कि हमारी गाड़ी भी घर पहुँचे, लेकिन आज उनका स्वर्गों के बीच में भी उनका ये सपना पूरा हो गया कि हमारे परिवार इस रोड की वजह से सुख चैन से जिएंगे। मैं इस जनता को मैसेज देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री की जो रोड योजना है इसमें से पैसा आ जाता है, सबसे बड़ी हमारे समाज और हमारी रिश्तेदारी के जो जनता है इनके बीच में एक कमी है कि मैं एक फुट जगह नहीं दूंगा लेकिन रोड बाई एयर ले जाओ। मैं आम जनता से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि यहाँ से लेकर लक्ष्मी नारायण मंदिर तक इस रोड का कनेक्टिविटी है, लेकिन जिसकी भी रोड आती है, ज़मीन आती है, वो खुशी खुशी से इस रोड के जगह दे देगा और लोग जनता को आम फायदा है। आज इस जगह की कीमत थी 3 लाख 4 लाख रुपया कनाल, रोड का लिंक होने से आज इस जगह की कीमत डबल हो गई है। हमने अपनी रोड नहीं होने के कारण ज़मीनें छोड़कर दूसरी जगह मकान बनाए, लेकिन आज क्या है कि रोड पहुंच गई है और क्या है कि उस जगह की कीमत डबल हो गई है। तो मेरी आम जनता से यही निवेदन है कि अपनी जगह छोड़ें। बाकी मैं मुँह पर तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं दिन रात मेरे घर के बगल से नया सरपंच कृष्णा जी दिन रात चलते थे, जब पूछता था मैडम जी कहाँ जा रहे हो, आई सेक्रेटरेट में जा रही हूँ, आई डीसी ऑफिस जा रही हूँ, ये पूरा श्रेय आम जनता का जो है ये नया सरपंच जाता है। और मैं फिर भी मैडम जी ने जो संगीता मैडम जी हमारे डीडीसी हैं, इन्होंने जो हमारा सहयोग दिया है, हम इनका आम जनता जो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है उनकी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इस काम को जितना भी जल्दी ख़त्म करना है तो जो भी पैसा फंड अलाटमेंट है उसकी कोशिश करें ताकि इस काम को जल्दी टेंडर करके इसका काम शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि जो आज सब कीमती समय निकाल कर यहाँ पहुँचे हैं, और इस आज एक नया इंट्रोगेशन की हमारी गाड़ी इस पुलिया से क्रॉस होकर नई उम्मीदों की तरफ जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं रूपलाल डंडेसर वाला का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, और मेरी उम्र इसलिए 86-87 साल है, और मैडम साहब का मैडम डीडीसी का और गुलशन जी का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने बड़ी कोशिश कर दौड़ पाँच करके सड़क बनाई है, और हम भी इनके साथ थोड़ा कोशिश करते हैं चलने की, तो इसलिए इतना ही है बड़ा है जो इन्होंने इसमें तमन दिया इस रास्ते को, और ये रास्ता चल गया, और बड़ी सब को मुबारक हो, खुशी हो कि इसका आज उद्घाटन हुआ है, गाड़ी निकली है, तो हमें बड़ी खुशी हुई है। कितनी पुरानी डिमांड थी, कितने सालों से जो है ये तो 15-20 साल से पुरानी डिमांड थी जी, जी। आज की डिमांड नहीं है, तो बड़े इधर आगे जो भी बंदे थे, कोई गाड़ी नहीं जाती थी, कोई वो मतलब ट्रैक्टर कोई सामान लेने के लिए कोई रास्ता नहीं देता था, तो बड़ी उठा उठा के ले जाते थे, तो बड़ी मुश्किल से किसी का काम रह गया, कोई भी काम वो नहीं हुआ, और आज बड़ी खुशी हुई है जी ये रोड बनने से सब काम हो जाएगा, और डीडीसी इनका और गुलशन जी का इनके तामन से जो हुआ है उसकी बड़ी खुशी है। और सब ऐसा एक लड़के का मकान बनाया तो पत्थरों उठा उठा के इधर से एक एक तोड़ा, एक बिल उठा के हमने मकान बनाया, बड़ी मुश्किल लड़के को बना दिया, और आज ये अगर पुली ना बनती तो ये हमारा एक मील का एरिया जो तो कटाव हो जाता, तो मैं कभी जाता था एक दूसरे को बुलाता यार मुझे नीचे नाले से पकड़ के बांध दो,
इतनी मुश्किल थी। तब मैं इधर से घूम फिर उधर से क्रॉस करके अगर नीचे ही लड़के के पास जाता बुढ़ी आता तो बड़ी मुश्किल से थक जाता था। तो ये पुली कब बनेगी? और गुलशन जी का बड़ा शुक्रिया और मैं DDC का बड़ा शुक्रिया जी, आज ये रोड बनी है, हमको बहुत खुशी हुई है। और ये सबको मार गया और मतलब महकमे वाला को DC है सब जे उसको मुबारक है, जे पैसा देता है तो सड़क बनी है, हमें बहुत खुशी हुई है। आज जो इस कार्यक्रम जो रखा हुआ है उद्घाटन का ये समारोह, इसमें तो मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ DDC मैम का और हमारे नायब सरपंच गुलशना मैम का। इन्होंने बहुत ही प्रयास किया और ये इनका जो ये हमारी कोई 10-15-20 साल की पुरानी डिमांड थी। और ये जो डंडेसर वार्ड नंबर 2 है इसमें कोई भी ट्रैक्टर या छोटी गाड़ी नहीं जाती थी, ये कोई भी आदमी बीमार हो जाए चारपाई पे उठा के सड़क पे लाते थे। इसलिए आज बहुत खुशी का माहौल है, विशेषकर आज जो ये सड़क मिली हमें, ये DDC मैम और गुलशना मैम का हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि जो इन्होंने ये आज उद्घाटन किया और जल्द से जल्द इन्होंने ये उद्घाटन किया, हमें रोड दी।